दोस्तों, अगर आप भी अश्विन और अक्षर पटेल को शानदार प्लेयर मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कानपुर में चल रहे भारत न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मुकाबले में आखिरी दिन का खेल जारी है, जिसमें दोनों ही टीमें अपनी जीत की दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रही हैं, जिस वजह से ये कहना मुश्किल होता जा रहा है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन इस मुकाबले के पांचवें दिन के दूसरे सत्र में भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने एक बार फिर से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अपनी फिरकी में फंसाते हुए भारतीय टीम को वापसी कराने की नींव रख दी है। तो सभी दोस्तों को बताते हैं आखिर किस तरह अश्विन और अक्षर के तूफान के सामने कीवी बल्लेबाज उड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो सकेगी या नहीं? हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मुकाबले में दाएं तरफ भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करके कीवी टीम को हराने की कोशिश की थी। वहीं कीवी टीम के खिलाड़ियों ने भी इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी जान लगा दी थी। इसके चलते इस मुकाबले को इस तरह से खेलते नजर आ रहे हैं कि या तो इस मुकाबले को जीतेंगे या फिर भारतीय टीम के हाथों से भी छीन कर ड्रॉ की ओर ले जाएंगे। दरअसल पहली पारी में भारतीय टीम के 345 रन के स्कोर के सामने पूरी कीवी टीम मात्र 296 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारतीय टीम के पास 49 रन की शानदार बढ़त मिल गई थी। हालांकि अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर में विफल हो जाने के बाद पहली पारी की तरह श्रेयस अय्यर ने टीम को संभालते हुए अर्शद की पारी खेलकर एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया था और उनकी इस पारी में रिद्धिमान साहा ने भी सहयोग करते हुए अर्धशतक लगाया था, जिसके चलते भारतीय टीम का दूसरी पारी में स्कोर को 234 रन तक पहुंचा दिया, जिसके बाद भारतीय टीम के पास 284 रन की शानदार बढ़त मिल गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम इस लक्ष्य को पीछा करते हुए रन बनाने में नाकाम नजर आ रही है। चौथे दिन के अंत तक एक विकेट गंवाने के बाद पांचवें दिन का पहला सत्र जहां कीवी टीम के नाम रहा, वहीं दूसरे सत्र में भारतीय स्पिनर्स अश्विन और अक्षर पटेल ने बल्लेबाजों की नाक में दम करते हुए उन्हें रन बनाने से रोकने का काम किया। और इसी बीच रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड की ओर से खतरनाक रूप में बल्लेबाजी कर रहे टॉम लैथम को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद कीवी टीम पूरी तरह से मुकाबले में पड़ती नजर आ रही है। और एक बार फिर से अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी के आगे कीवी बल्लेबाज परेशान होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, भारतीय स्पिनर द्वारा की गई इस वापसी को देखकर तो यही लग रहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि पहली पारी की गेंदबाजी में भी भारतीय स्पिनर्स न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को आउट करके मात्र 294 के स्कोर पर रोक दिया था। ठीक उसी तरह एक बार फिर से वो अपनी खतरनाक गेंदबाजी के प्रदर्शन से कीवी गेंदबाजों को आउट करके टीम के खाते में ये जीत लिख देंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या कीवी टीम इस मुकाबले में वापसी करके जीतने में कामयाब हो सकेगी या नहीं? हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।